हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सागर कानाने। आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईसर मोहाली एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 70 इन सीएसआर नेट एग्जाम एंड ऑल इंडिया रैंक 95 इन आईआईटी जाम एग्जाम। सो टुडे आई विल टेल यू इजी वे टू क्रैक सीएसआर नेट एंड आईआईटी जाम एग्जाम। आई हैव यूज्ड this method in my preparation. So preparation ko start karne ke pehle look content of syllabus several times. ye kyu karna hai, kyunki bahut baar aise universities hote hain jahan pe group theory jaisa syllabus IIT mein pucha jata hai, IIT ke syllabus mein content hota hai, but wo graduation mein padhaya nahi jata. But to agar graduation ke kisi bande ko iska preparation karna hoga तो वो इजी से अपना प्लानिंग कर सकता है। सो फॉर डूइंग प्लानिंग फॉर दिस एग्जाम यू हैव टू लुक फर्स्ट कंटेंट ऑफ सिलेबस वेरी वेल एंड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन लुक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स एंड एनालाइज देम वेरी वेल बिकॉज इट विल आल्सो हेल्प यू। फॉर एग्जांपल रैंक नलिटी थ्योरम इज यूजफुल एंड यू कैन सी दैट रैंक नलिटी थ्योरम बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता चल सकता है कि लीनियर अलजेब्रा में कितने मार्क का वेटेज है और रियल एनालिसिस में कितने मार्क्स का वेटेज है, उस हिसाब से आप एग्जाम का प्रिपरेशन एग्जाम का प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उसमें आप सबसे पहले आपको सिलेबस में से जो भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है उसको आप उठाओ और उसका रिवीजन करो, और एक बार अच्छे से रिवीजन होने के बाद उस टॉपिक के जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई करते रहो, और जो भी सॉल्व हुए हुए क्वेश्चन है वो आप एक अच्छे से नोटबुक में लिख के रखो। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे तो ऐसे क्वेश्चन आप अनदर नोटबुक में लिखो। इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, जैसे जो भी आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन को आप अच्छे से थिंक कर सकते हो। तो एट द सेम टाइम आपको और दूसरा टॉपिक उठाने का जो आपको अच्छा लग रहा है सिलेबस में से, तो उस टॉपिक पे सेम मेथड करने का, जैसे आप रिकॉल करने का और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। अगेन आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुए वो जो उस अलग नोटबुक में लिखो और जो नहीं सॉल्व होते उसको दूसरे नोटबुक में लिखो। तो ऐसा दो तीन टॉपिक करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे लेकिन आपने उसमें तो थिंकिंग किया होगा, तो उससे आपको ये फायदा हो सकता है, इससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा और एक मैथमेटिकल मैच्योरिटी बिल्ड होता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन नहीं जम रहे है, जो नहीं सॉल्व हो रहे, आप उसको अच्छे से ऑनलाइन देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन, अदरवाइज आप किसी फ्रेंड को पूछो या अपने फैकल्टी से ये आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम को कुछ ही दिन बाकी है, अगर वो आपका एग्जाम दो तीन दिन में आकर आया होगा तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए है जस्ट उसको आप रिकॉल करते रहो, नहीं कि क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे बुक्स लेते हैं उसको पढ़ते रहते हैं उससे कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट डोंकी वर्क और आप उससे अच्छे से रिकॉल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपने जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं जस्ट वही देखने के, वही जो पहले देखोगे आप तो उसका आपको एग्जाम में फायदा हो सकता है, क्योंकि वह उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, इससे आपको एग्जाम में सक्सेस मिलने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम व्हाट यू हैव टू डू नाउ, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। आई विल रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस फॉर दिस एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पहले लेने होंगे जो आप 100% श्योर हो, जो क्वेश्चंस आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन आप पहले उठाओ और वही क्वेश्चन
एग्जाम के पहले कुछ घंटों में आप ट्राई करते रहो और वही क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, तो वो क्वेश्चन बाद में ले लो। तो वो क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप चले कुछ टाइम पीरियड रखो, उसका 5 मिनट देना है, 10 मिनट देना है, आप ऐसा टाइम पीरियड रखो। अगर वो क्वेश्चन 5 मिनट से ज्यादा जाता है तो आप उसको स्किप करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चों को लगता है कि 5 मिनट मैंने इस क्वेश्चन को दिया है तो मुझे और कुछ टाइम दूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट इसमें आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि एग्जाम में 5 मिनट प्लस 2-3 मिनट जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को कब स्किप करना है और कब नहीं, यह आपको अच्छे से पहले ही उसका प्लानिंग करना चाहिए। तो इस वजह से आप अगर पूरे 3 घंटे जो भी टाइम पीरियड है उसमें आप बैठोगे तो आप इजीली इस टाइम मैनेजमेंट को और क्वेश्चन सिलेक्शन को आप इजीली टैकल कर सकते हो और आप एग्जाम में सक्सेस 100% पा सकते हो। ये मैं इस चीज पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जरूर इस मेथड का यूज करिए। इन दिस प्रिपरेशन मेथड आई हैव फॉरगॉट टू एक्सप्लेन इलिमिनेशन मेथड वट एवर आई हैव यूज्ड इन माय प्रिपरेशन। तो ये इलिमिनेशन मेथड क्या होती है, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सो इन दिस इलिमिनेशन मेथड ऑफ ऑप्शंस विल बी इलिमिनेटेड एंड करेक्ट आंसर विल बी देयर। एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि और इलिमिनेशन मेथड में आप बहुत सारे काउंटर एग्जांपल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काउंटर एग्जांपल आपको अगर पता होंगे तो उस काउंटर एग्जांपल के जरिए आप ऑप्शंस इजीली इलिमिनेट कर सकते हो और आपको कम टाइम में विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको आंसर करेक्ट मिल सकता है। तो इस तरह से इलिमिनेशन मेथड किया जाता है। इफ यू वांट सिलेबस एंड व्हाट आर द बुक्स रेफरेंसेस फॉर दिस, आई विल गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स इन द रेफरेंसेस बिलो। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड आवर यूट्यूब चैनल।